DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. आज unfortunately हमारे पास में काफी बड़ी संख्या में patients हैं. अजमेर जिले की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक कुल मिलाकर 10 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जिसमें से 4 मरीज ब्यावर के हैं, 2 जवाजा के हैं, 1 सरवाड़ का है और 3 मरीज अजमेर प्रॉपर के आए हुए हैं, उसमें से 1 अजय नगर के हैं, 1 पन्नी ग्रांड चौक के हैं और 1 अजमेर के कई और के भी हैं। और ये 2 मरीज अजमेर के आए हैं और 2 मरीज 1 अजमेर के और 1 ब्यावर के, दोनों काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, 1 की 70 साल उम्र है, 1 की 74 साल उम्र है। एक जो ब्यावर के सज्जन जो हमारे पास आए हैं, उनकी पत्नी की भी थोड़े दिनों पहले कोविड से डेथ हुई थी और वो भी पॉजिटिव आए हैं। इस तरीके से कोविड पॉजिटिव के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो स्ट्रांगली सस्पिशन में जाते हैं और उनकी रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। जैसे कि आपने पहले भी देखा कि थोड़े दिनों पहले एक पूरा का पूरा परिवार भी संक्रमित होकर RRTI कॉलोनी का, पुलिस लाइन का, ये सब हमारे पास भर्ती हुए थे, लेकिन ईश्वर की दया से वो लोग ठीक होकर गए हैं। जहाँ तक अभी कोविड पॉजिटिव वार्ड की बात है, इस वक्त हमारे पास में टोटल 16 पेशेंट थे। 16 में से हमने 5 पेशेंट को कोविड केयर सेंटर भेजा है, 2 पेशेंट को अंडरटेकिंग लेकर होम आइसोलेशन भेजा है और जो बचे हुए पेशेंट हैं उनमें से हमारे पास में 4 पेशेंट अभी सीरियस चल रहे हैं, 5 पेशेंट हमारे सीरियस चल रहे हैं। 2 मरीजों को बाईपैप मशीन पर रखा गया है, 3 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में 54 पेशेंट हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई है तो 54 में से 22 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उनको हमने अपने अपने जगह पर शिफ्ट कर दिया है। बाकी मरीजों की रिपोर्ट हम करीब करीब 2-2.5 घंटे में आएगी तो उस हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट हम कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो देखने वाली बात ये है कि जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं उनके जो फैमिली में पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो रही है, तो जो बार बार डिस्टेंसिंग की बात होती है, यूज़ ऑफ मास्क की बात होती है, उस पर मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि डिस्टेंसिंग हर हालत में मेंटेन करें, मास्क हर हालत में यूज़ करें, मास्क को एक मुसीबत नहीं समझें, इसको कोई फैशन नहीं समझें, इसको आपकी आवश्यकता समझें। जैसे कि हमें कपड़े पहनने हैं नहाने के बाद, ऐसे मान के चलिए कि हमें घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना ही है।